नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को गर्दन दर्द सर्वाइकल, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट है सर्वाइकल का दोस्तों, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये दोनों साइड का पेन, इसके लिए सर्वाइकल प्रॉब्लम के बारे में मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई टूल नहीं हो, आप बगैर टूल का आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो सारी चीजें आपके हाथों के अंदर में है, वो क्या है। तो दोस्तों ये देखिए, अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो तो सर्वाइकल का पॉइंट यहां से लेके यहां तक, ये आपका हेड है ऊपर का ये पार्ट, और ये नीचे गले का पार्ट है, ये तो ये बैक में है, तो बैक में यहां से लेके यहां तक, वन से लेके C8 तक यहां पे है दोस्तों। अब क्या करेंगे, मुझे ये गर्दन में सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो ये देखिए इसे ट्विस्ट करेंगे, एक उस टाइम छोड़ेंगे, फिर दूसरी तरफ उस टाइम छोड़ेंगे, फिर तीसरी तरफ, फिर चौथा बार, पांच, इस तरीके से 10 बार से हम लोग करेंगे दोस्तों इसे ट्विस्ट। इसके अलावा जो ये हमारा पार्ट है, ये पूरी हाथ को ऐसे देखिए, ये ऐसे करके फोल्ड, ऐसे, फिर ये देखिए ऐसे करके फोल्ड, ये ट्विस्ट, फिर ये ट्विस्ट, हाथ को ट्विस्ट करके देखेंगे कि किधर दर्द है, ढूंढेंगे कि हमारा किस पॉइंट में हमारा दर्द है। ये भी हमारा आर्म्स एंड लेग्स करस्पॉन्डेंस में, ये एरिया पूरा हमारा हेड है, तो इसे भी क्या करेंगे, इसे पूरा ढूंढेंगे। इसे ये बैक ऐसे करके दिया, ये बैक ऐसे करके दिया, किसी दूसरे के हाथ में आप पढ़ सकते हैं, इस हाथ में भी कर सकते हैं। देखिए इसे भी लिया और इसे भी लिया, इसे भी लिया, इसे भी लिया, ये करके अपन देखेंगे कि कहां पे आपका है। उसी तरह से ये सारा एरिया, जो ये सारा एरिया हेड का है, तो मिनी सिस्टम है, इसे क्या करेंगे, ये देखिए ये करके देखेंगे, यहां भी हर एक उंगली में। अगर आप बहुत सारा जगत, तो ऐसा होगा कि सिर्फ इससे आप ट्विस्ट करते करते 10-20 बार ट्विस्ट करते करते ही आप इस दर्द को खत्म कर सकते हैं। ये ट्विस्ट करते करते आपकी पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गर्दन का दर्द, सर्वाइकल पेन कहां चला गया। बहुत सारे रीजन में इसका फायदा आपको मिलने वाला है दोस्तों। उसी तरह से हमारे पांव के टो में भी है ये सारा, ये ट्विस्ट करके देखना है हमको। उसके अलावा हमें आना कि ये देखिए, ये जो सर्वाइकल पार्ट है, ये देखिए इस पार्ट को दबा के देखना है कहां पे दर्द का पॉइंट है। जहां पे भी दर्द का पॉइंट हुआ, पहले ये ज्वाइंट में, ये साइड में, जहां भी दर्द का पॉइंट हुआ उस पॉइंट को डॉट लगाना है। बाद में इसमें मूंग के दाने का चेन या मेथी के दाने का चेन, वो लगाना है दोस्तों, बताता हूं। उसके अलावा यहां से यहां तक देखेंगे हमारे किस पार्ट में दर्द है, किस पार्ट में ज्यादा दर्द हो रहा है। जहां पे आपको दर्द होगा उस पार्ट को एक डॉट लगा लेना है, जिस पार्ट में आपको दर्द हो, ध्यान रखना दोस्तों। इस हाथ में भी सेम चीजें हैं, इस हाथों में भी इसी तरह से हम लोग दर्द ढूंढेंगे। मान लो मुझे यहां पे दर्द है, तो मैं इसको ढूंढ लिया, यहां पे आया, फिर आगे देखे, फिर कहां पे है, फिर यहां पे देखे, फिर इस साइड देखे, फिर इस साइड देखे, तो दोस्तों इस तरीके से। उसके बाद हर एक उंगली का जो पहला ज्वाइंट है, ये सारा सर्वाइकल के लिए दोस्तों। इस पॉइंट को दबाते रहे, इस पॉइंट को दबाया, इस पॉइंट को दबाया, इस पॉइंट को दबाया, इसी तरीके से हमें हर एक पॉइंट को दबाना है। देखिए यहां पे इस तरीके से, जिसमें पेनफुल पॉइंट है, अब मुझे इसमें पेनफुल पॉइंट लग रहा है, तो इस जगह एक मूंग का दाना लगाएंगे। कैसे लगाएंगे दोस्तों, वो बताता हूं, उस पर और कीजिए। मूंग का दाना कैसे आपको इस पॉइंट में लगाना है, ये एक पेपर टेप की सहायता से आप इसमें मूंग की दाल की चेन जो है ऐसे बना लीजिए, ये मूंग की दाल की चेन है, दोस्तों ये चेन ये देखिए दोस्तों, ये मूंग की दाल की चेन बनाया। अगर मान लीजिए यहां पे मुझे दर्द है या इस जगह पे दर्द है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये यहां पे देंगे इधर का, और ऐसे करके इसे जो है पूरी तरह से हम इस पॉइंट को दबाएंगे करके, फिर बीच बीच में है ऐसा, अगर आप पास टाइम हो तो आधा घंटा 1 घंटे पे इसको बीच बीच में जिस पॉइंट को आप दबाते रहिए दोस्तों। इसके अलावा अब आपकी इस उंगली में हर एक ज्वाइंट पे मैंने बोला कि आप पॉइंट है,
वही क्या करना है आपको यहाँ पे, या तो अभी तो मैंने मूंग का दिखाया, यहाँ पे क्या कीजिए मेथी दाना ले लीजिए, दो तीन मेथी दाना लिया और इस बीच में मुझे यहाँ पे ज्वाइंट में पेन लग रहा है तो मैं यहाँ पे लाके इसे किया, इस पॉइंट को किया, इसे भी बीच बीच में जी हम लोग इसे दबाते रहे। अगर मुझे हथेली के किसी भी एरिया में, इस कलाई में, किसी भी जगह पे अगर मुझे दर्द और पेनफुल का पॉइंट नजर आया, मान लीजिए किसी भी एरिया में, ढूंढिए कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसे करके ढूंढिए कहाँ पे है, जिस जगह पे आपको लगा। तो ये मटर का दाना जो है दोस्तों, ये मटर के दाना को क्या करना है, यहाँ पे जिस जगह पे एरिया में लगा, एक दो जहां भी लगा, यहाँ पे है तो यहाँ लगाना है, यहाँ पे यहाँ लगाना है, यहाँ पे यहाँ, जिस जगह पे हो उस जगह पे इस मटर दाने को लगा कर रहा है। और जब भी ये सीड्स लगाएंगे इसे 6 घंटा से 8 घंटा रखना है, और बाद में इसे दोबारा यूज नहीं करना है, इसे फेंक के नेक्स्ट नया करेंगे। अगर आप इस तरीके से कंटिन्यू की इस तरीके से सीड्स को लगाने के बाद अगर आप कंटिन्यू यूज किएगा तो 100% आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम में आपको काफी आराम मिलेगा और बहुत हद तक आप अपने आप को बगैर मेडिसिन क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कीजिए, खुद भी इससे फायदा उठाइए, दूसरों को बताइए, और कुछ अगर आपको लगता है कि इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा नंबर इसमें है ऑलरेडी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये इस तरीके से चेन बनाना है, ये मूंग की भी चेन बना सकते हैं, मेथी का भी चेन बना सकते हैं, काली मिर्च का भी चेन बना सकते हैं, ये बना के इस जगह पे अप्लाई करना है दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल इस तरह से कीजिए दोस्तों और फायदा उठाए। पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। पूरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।